विल स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 36। ऑलरेडी ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है इफ यू रिमेम्बर, बट अगेन डू इट। व्हेन ओपन पाइप इज क्लोज फ्रॉम वन एंड, तो पहले पाइप ओपन था, अब वही पाइप क्लोज है, मतलब लेंथ दोनों का सेम है, और जब दो पाइप का लेंथ सेम हो, रिमेम्बर दिस, यह याद रखना, जब एक ओपन पाइप है उसी को क्लोज कर दिया तो दोनों का लेंथ सेम, और जब दोनों का लेंथ सेम हो, यू नो, जब दोनों का लेंथ सेम हो, यू डू यू अंडरस्टैंड कि हमने क्लास चालू कर दिया है, तो जब दोनों का लेंथ सेम हो तो क्लोज पाइप का फ्रिक्वेंसी ओपन बाय टू होता है, फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी, राइट। ये कहाँ से आता है, तो यू शुड अंडरस्टैंड दैट इट कम्स फ्रॉम वी बाय फोर एल, एक्चुअली एल सी, लेकिन दोनों का लेंथ सेम था, तो एन सी इज वी अपॉन टू एल, और ये भी आ जाएगा वन बाई टू, तो एन क्लोज, दिस इज एन ओपन बाई टू। तो क्लोज्ड पाइप का फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी ये ओपन पाइप के फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी का हाफ होता है, अगर लेंथ सेम हो तो, याद रखना। आगे बोला है देन थर्ड ओवरटोन ऑफ क्लोज पाइप, थर्ड ओवरटोन ऑफ क्लोज पाइप इज हायर इन फ्रिक्वेंसी बाय 150 हर्ट्ज, इज हायर इन फ्रिक्वेंसी बाय 150 हर्ट्ज देन सेकेंड ओवरटोन ऑफ ओपन पाइप, देन सेकेंड ओवरटोन ऑफ ओपन पाइप। तो ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी सॉल्व किया है, 300 हर्ट्ज का आंसर था उसका, थर्ड ओवरटोन ऑफ क्लोज पाइप इज हायर इन फ्रिक्वेंसी बाय 150 हर्ट्ज देन सेकेंड ओवरटोन ऑफ ओपन पाइप। व्हाट इज थर्ड ओवरटोन ऑफ क्लोज पाइप? सेवन टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी। व्हाट इज सेकेंड ओवरटोन ऑफ ओपन पाइप? थर्ड टाइम, थ्री टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी। फर्स्ट ओवरटोन ऑफ क्लोज्ड इज थर्ड हार्मोनिक, सेकेंड ओवरटोन ऑफ क्लोज्ड इज फिफ्थ हार्मोनिक, थर्ड ओवरटोन ऑफ क्लोज्ड इज सेवेंथ हार्मोनिक, सेकेंड ओवरटोन ओपन इज थर्ड हार्मोनिक। लेकिन मैंने अभी बताया एन सी क्या है, एन ओ बाई टू है, तो एन ओ बाई टू है, ये 3.5 है, ये 3 है, 3.5 माइनस 3 कितना होता है 0.5, 0.5 मतलब NO by 2, 7 by 2, 3.5, माइनस 3.5, 0.5 कितना होता है हाफ। तो व्हाट इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन पाइप? 300 हर्ट्ज। तो आई टोल्ड यू कि हमने ये ऑलरेडी किया है, तो ऑप्शन नंबर डी है, डन। तो सिंस वी हैव डन दिस अर्लियर, इट्स बेटर दैट आई डू नॉट give you time to write down, ये already हमने किया है, so you should not get time to write down this one, हम अगले question पे जाएंगे straight away। The pitch of whistle of an engine appears to drop to, देखो drop by और drop to इन दोनों में difference है, जब drop by बोला होता है मतलब frequency final is initial minus 5/6 of initial, तो चीज याद रखना, जब फ्रीक्वेंसी ड्रॉप बाय बोला हो तो न्यू फ्रीक्वेंसी इज इनिशियल माइनस 5/6 ऑफ इनिशियल, जब ड्रॉप टू बोला हो मतलब डायरेक्टली डायरेक्टली न्यू फ्रीक्वेंसी इज 5/6 ऑफ इनिशियल। तो जब वर्ड्स, लुक एट वर्ड्स वेरी केयरफुली, अगर आपको बोला है फ्रीक्वेंसी ड्रॉप्स बाय, तो न्यू फ्रीक्वेंसी इज इनिशियल फ्रीक्वेंसी माइनस 5/6 ऑफ इनिशियल, ड्रॉप्स टू मतलब डायरेक्टली न्यू फ्रीक्वेंसी इज 5/6 ऑफ इनिशियल, तो ये दोनों का डिफरेंस पता होना चाहिए। वेल, पिच ऑफ विसल, म्यूजिक में फ्रीक्वेंसी को फ्रीक्वेंसी नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? पिच। तो पिच ऑफ विसल मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ विसल ऑफ एन इंजिन अपियर्स टू ड्रॉप टू, अपियर्स मतलब अपेरेंट, और ड्रॉप मतलब कम होना, तो कल मैंने डॉपलर इफेक्ट बताया था, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी ये रियल फ्रीक्वेंसी से कम कौन से केस में होता है? व्हेन द डिस्टेंस इंक्रीजेस, व्हेन द डिस्टेंस इंक्रीजेस, वेरी गुड। सो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी एनए इट इज गिवन टू यू एज 5/6 ऑफ ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी एन। तो ये अच्छे से पहले समझ में आना चाहिए, पिच ड्रॉप्स टू 5/6 ऑफ ओरिजिनल वैल्यू मतलब अपेरेंट इज 5/6 ऑफ रियल वैल्यू। व्हेन इट पासेस अ स्टेशनरी ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर स्टेशनरी मतलब लिस्टनर का स्पीड कितना है? जीरो है।
इफ द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 350 मीटर पर सेकेंड देन द स्पीड ऑफ इंजन इज, इंजन यहाँ पे कौन है, सोर्स है, तो क्या पूछे आपको सोर्स का स्पीड। अगर आपको याद होगा जनरल फॉर्मूला, जनरल स्केलेटन, स्केलेटन मतलब ढांचा ओवरऑल, वी वी एल वी वी एस, पहली बात तो लिस्नर ऑब्जर्वर स्टेशनरी है, डिस्टेंस बढ़ रहा है, डिस्टेंस बढ़ता है तो फ्रिक्वेंसी का रेशियो कम होता है, अपेरेंट अपॉन रियल इज लेस देन वन, दिख भी रहा है, अपेरेंट अपॉन रियल इज 5s इज लेस देन 1, ऐसे केस में न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए, डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए, बस एन ए कितना है, एन ए 5/6 एन, वी कितना है 350 है ना, अपॉन 350 प्लस वी एस इंटू एन, एन और एन हो गया कैंसल, 1 हो गया, ये आ गया 7, करेक्ट, हाँ कुछ रह गया, समथिंग रॉन्ग, 70 कितना, 70 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 350 प्लस वी एस इक्वल टू 420, तो वी एस इक्वल टू 420 माइनस 350 मतलब कितना 70, 420 में से 350 का तो कितना 70 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन, इन सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट द ब्रिजेस आर सेपरेटेड बाय अ फिक्स्ड डिस्टेंस, तो पहले ये बताना चाहिए सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट में हमारे पास एक साउंड बॉक्स होता है, साउंड बॉक्स के ऊपर हमारे पास ब्रिज होते हैं, ब्रिज मतलब नाइफ एज होता है यहाँ पे, तो यू हैव टू नाइफ एजेस, उसको ब्रिज भी बोलते हो, नाइफ एजेस भी बोलते हो, तो ऐसे दो नाइफ एजेस होते हैं, ट्रायंगुलर शेप में होते हैं, मैं भी ट्रायंगुलर शेप दिखाऊंगा नहीं, आई एम नॉट शोइंग ट्रायंगुलर शेप बट दे आर इन द फॉर्म ऑफ ट्रायंगुलर शेप, इसके ऊपर से वायर रन होता है एंड दिस वायर आफ्टर रनिंग ओवर दिस ब्रिजेस इट पासिस थ्रू अ पुली, फिर यहाँ पे नीचे आता है, नीचे होता है स्लॉटेड वेट अरेंजमेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि जो ब्रिज के बीच का डिस्टेंस है दिस इज वाइब्रेटिंग लेंथ, ये क्या है वाइब्रेटिंग लेंथ, तो अगर आप दो ब्रिजेस को फिक्स रख रहे हो तो आप वाइब्रेटिंग लेंथ को क्या रख रहे हो कॉन्स्टेंट, तो एल क्या आएगा कॉन्स्टेंट आएगा, तो क्वेश्चन में बोला है इन सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट द ब्रिजेस आर सेपरेटेड बाय अ फिक्स्ड डिस्टेंस, मतलब ब्रिजेस आर एट फिक्स्ड डिस्टेंस, मतलब वाइब्रेटिंग लेंथ इज कॉन्स्टेंट, द वायर विच इज स्लाइटली इलास्टिक इमिट्स अ टोन ऑफ फ्रिक्वेंसी एन, इमिट्स अ टोन ऑफ फ्रिक्वेंसी एन, मतलब फ्रिक्वेंसी फंडामेंटल इज एन, व्हेन हेल्ड बाय टेंशन टी, इफ द टेंशन इज इंक्रीज टू 40, तो पहले टेंशन टी था, टी था, अब कितना हो गया 40 हो गया, द टोन इमिटेड बाय द वायर विल बी ऑफ फ्रिक्वेंसी, कुछ नहीं है क्वेश्चन, एन टू पूछा है, एन वन दिया है एन, टी वन दिया है टी, टी टू दिया है 40 और एन टू पूछा है, एक्सट्रीमली सिंपल क्वेश्चन है, फ्रिक्वेंसी होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेंशन, तो एन टू बाय एन वन इक्वल टू रूट ऑफ टी टू बाय टी वन, डेफिनेटली फ्रिक्वेंसी होता है 1/2L रूट ऑफ टी बाय एन, वाइब्रेटिंग लेंथ कॉन्स्टेंट था, मास यूनिट लेंथ भी कॉन्स्टेंट था, तो एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रूट ऑफ टी, ये कितना है 40, ये कितना है टी, हो गया कैंसल, व्हाट इज रूट ऑफ 4 2, तो व्हाट इज एन टू 2 टाइम्स ऑफ एन वन, और एन वन कितना था एन था, तो आंसर कितना है 2n है, डन, सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, द लेंथ एंड डायामीटर ऑफ मेटल वायर इज डबल्ड, लेंथ डबल होना मतलब एल कॉन्स्टेंट नहीं है, डायामीटर डबल होना मतलब रेडियस डबल होना, लेंथ एंड डायामीटर इज डबल्ड द फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन विल चेंज फ्रॉम एन टू, मतलब पहले कितना था एन था, अब नया फ्रिक्वेंसी कितना है ये पूछा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ऐसे टाइप का क्वेश्चन 3 किया है, चौथी बार आ रहा है, तो दिस इज द लास्ट टाइम दैट आई विल टेल यू, अदरवाइज डायरेक्टली फॉर्मूला याद होना चाहिए, तो डायरेक्टली क्या याद होना चाहिए, एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल आर, लेकिन ये कैसे आया 1/2L रूट ऑफ टी बाय एम, 1/2L रूट ऑफ
मास पर यूनिट लेंथ, लेंथ गया ऊपर, 1/2L रूट ऑफ टी एल वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, 1/2L वॉल्यूम इस एरिया इनटू लेंथ, लेंथ और लेंथ हो गया कैंसल। तो अब एरिया होता है पाई आर स्क्वायर 1/2L अंडर रूट ऑफ टी पाई आर स्क्वायर रो, मटेरियल सेम था, रो कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, टी कांस्टेंट, टू कांस्टेंट। तो एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√R² × L, आर स्क्वायर का रूट आ गया एल। आपको पूछा है एन टू, तो एन टू बाय एन वन इज L1R1/L2R2। लेंथ और डायामीटर दोनों को डबल कर दिया। डायामीटर को डबल करना मतलब रेडियस को डबल करना, मतलब क्या था इसका? मतलब ये था कि जो फाइनल लेंथ है वो 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल लेंथ है, जो फाइनल रेडियस है वो 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल रेडियस है। डबल करने का मतलब ये होता है कैंसल 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 कैंसल। तो कितना आ गया? एन टू इक्वल टू n1/4। n1 कितना है? n। तो आंसर कितना है? n/4 है, क्या n/4? ऑप्शन नंबर ए। पर नेक्स्ट टाइम से यहां से आपको आना चाहिए डायरेक्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन हमने इन द फॉर्म ऑफ थ्योरी ऑलरेडी किया है। इन अ पाइप ओपन एट बोथ द एंड्स N1 एंड N2 बी फ्रीक्वेंसीज करस्पॉन्डिंग टू वाइब्रेटिंग लेंथ L1 एंड L2 रिस्पेक्टिवली, द एंड करेक्शन इज N2L2 − N1L1/2 × N1 − N2। मैंने आपको याद कैसे रखना है ये भी बताया था। मैंने आपको ये भी बताया था कि पाइप अगर बोथ एंड पे ओपन हो और बोथ एंड एक एंड पे क्लोज हो तो डिफरेंस क्या है। वेल बाय द वे, हमारे पास एक पाइप है जिसका हमने वाइब्रेटिंग लेंथ चेंज कर दिया, तो ये मान लो लेंथ ऑफ ट्यूब है। इसी पाइप का हमने लेंथ चेंज कर दिया, इसी पाइप का लेंथ चेंज करने का मतलब है कि पाइप का डायामीटर चेंज नहीं हुआ, और पाइप का डायामीटर चेंज नहीं होने की वजह से एंड करेक्शन दोनों में ई और ई होगा। क्यों? क्योंकि एंड करेक्शन क्या होता है? 0.3 टाइम्स ऑफ इनर डायामीटर होता है, तो इनर डायामीटर सेम है, तो एंड करेक्शन दोनों केस में क्या है? ई है। पहले केस में ये जो लेंथ है ये लेंथ ऑफ पाइप है, ये L1 है। दूसरे केस में जो लेंथ है ये भी लेंथ ऑफ पाइप है, ये L2 है। रिमेम्बर दिस इज नॉट वाइब्रेटिंग लेंथ, वाइब्रेटिंग लेंथ वो अलग होता है, लेंथ ऑफ पाइप वो अलग होता है। ये लेंथ ऑफ ट्यूब जो है L1 और L2 है, स्मॉल L1 स्मॉल L2। और वाइब्रेटिंग लेंथ होता है एंटी नोड से एंटी नोड तक का डिस्टेंस। क्यों एंटी नोड से एंटी नोड? क्योंकि पाइप ओपन एट बोथ द एंड्स है। जब ऐसा हो तो दोनों एंड पे क्या बनता है? एंटी नोड। क्या बनता है दोनों एंड पे? एंटी नोड बनता है, याद रखना। दोनों एंड पे क्या बनता है? एंटी नोड बनता है। ये आ जाता है एंड करेक्शन ई, ये आ जाता है एंड करेक्शन ई। तो करेक्टेड लेंथ, करेक्टेड लेंथ होता है एंटी नोड से एंटी नोड तक का डिस्टेंस। तो कितना है करेक्टेड लेंथ पहले पाइप का? L1 = l1 + 2e। सिमिलरली जो सेकेंड पाइप है इस केस में भी ऐसा ही कुछ समझ लो। ये e है, ये भी क्या है? e है। तो इसका करेक्टेड लेंथ भी वैसा ही कुछ आएगा, L2 = l2 + 2e। अगर आपको याद होगा तो आपका ये स्टेट बोर्ड का क्वेश्चन भी प्रिपेयर हो जाएगा यहाँ पे। अगर आपको याद होगा फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी यहाँ पे N1 है, क्योंकि फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी डिपेंड करता है लेंथ को, वाइब्रेटिंग लेंथ पे। वाइब्रेटिंग लेंथ सेम है क्या? नहीं है। इसका L1 ऐसा कितना है? L2 है। तो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी सेम है क्या? नहीं है। कुछ अगर सेम है दोनों में वो है एयर। दोनों में क्या है? एयर। तो तुम साउंड यहां से पहले पाइप में भेजो या दूसरे पाइप में भेजो, स्पीड क्या होगा? सेम। तो स्पीड V1, वैसे V1 क्या होता है? N1 λ1। और स्पीड V2, लेकिन V2 क्या होता है? N2 λ2। दोनों में क्या है? एयर है। दोनों में एयर है तो स्पीड क्या है? सेम है।
तो वी वन इक्वल टू वी टू मतलब एन वन लैमड़ा वन इक्वल टू एन टू लैमड़ा टू, मैंने आपको बताया था कि ये काम में आता है, प्रोडक्ट ऑफ एन इंटू लैमड़ा इज कॉन्स्टेंट। अब आपको पता होना चाहिए ये एंटी नोड है, ये एंटी नोड है, एंटी नोड टू एंटी नोड डिस्टेंस होता है लैमड़ा बाई टू, यहाँ पे वैल्यू कितना है लैमड़ा वन, तो व्हाट इज लैमड़ा वन, टू टाइम्स ऑफ एल वन। एंटी नोड से एंटी नोड डिस्टेंस कितना होता है लैमड़ा बाई टू, लेकिन लैमड़ा क्या है लैमड़ा टू, तो लैमड़ा टू क्या है टू टाइम्स ऑफ एल टू, सॉरी व्हाट हैपेंड कोलैप्स, फाइन ओके, तो ये क्या आ जाएगा टू टाइम्स ऑफ एल टू। तो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दोगे एन वन टू टाइम्स ऑफ एल वन इक्वल टू एन टू टू टाइम्स ऑफ एल टू, टू और टू कैंसल, तो एन वन एल वन इक्वल टू एन टू एल टू, मतलब प्रोडक्ट ऑफ एन एंड एल इज कॉन्स्टेंट, ये भी मैंने बताया था आपको, बताया था ना ये, तो यहाँ से स्टार्ट हो सकता था, आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते थे, ये सब करने की जरूरत नहीं थी, एन इन टू एल इज कॉन्स्टेंट मतलब एन वन एल वन इक्वल टू एन टू एल टू, लेकिन एल वन क्या है एल वन प्लस टू ही है और इक्वल टू एन एन टू, एल टू क्या है एल टू प्लस टू ही है, तो एन वन एल वन प्लस टू एन वन ई इक्वल टू एन टू एल टू प्लस टू एन टू ई, तो टू एन वन ई माइनस टू एन टू ई इक्वल टू एन टू एल टू माइनस एन वन एल वन, टू ई कॉमन एन वन माइनस एन टू इक्वल टू एन टू एल टू माइनस एन वन एल वन, तो ई इक्वल टू एन टू एल टू माइनस एन वन एल वन अपॉन टू टाइम्स ऑफ एन वन माइनस एन टू, ऑप्शन नंबर सी। अगर पाइप एक एंड पे क्लोज हो तो टू नहीं आएगा, क्योंकि वहां पे एन कनेक्शन सिर्फ एक एंड से आएगा, याद दिलाने के लिए मैंने आपको ये भी बताया था, यहाँ पे एन टू एल टू है तो उसके सामने एन टू है, यहाँ पे एन वन एल वन है तो क्रॉस में एन वन है, और अगर ओपन पाइप है तो टू है, अगर एक एंड पे क्लोज है तो टू नहीं है, सिंपल डन। रिमेंबर दिस क्वेश्चन आर नॉट सपोज टू बी डिराइव्ड, ऐसे टाइप में से भी याद ही रखना होता है आपको, तो समझ लो सिर्फ क्रॉस में आएगा, सफिक्स जो है सफिक्स क्रॉस में आएंगे, टू तब आएगा जब ओपन पाइप है, नहीं आएगा तब एक एंड पे क्लोज है। अगला क्वेश्चन, अब बी केयरफुल विद दिस क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन बी केयरफुल, क्योंकि हमने पहले भी इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व किया, इस टाइप का किया है, सेम नहीं है। An open and closed organ pipe have same length. पहले भी ऐसा ही था. The ratio of pitch mode of frequency of vibration of air in two pipes is. पिछले केस में पहले पाइप कौन सा बोला है ओपन, फिर कौन सा बोला है क्लोज, तो वॉट इज एन पी ओपन, टू पी प्लस वन की पी प्लस वन, पी प्लस वन इंटू एन ओपन, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ओपन पाइप, वॉट इज एन पी क्लोज्ड, टू पी प्लस वन एन क्लोज्ड, लेकिन आपको पता है जब लेंथ सेम हो तो एन क्लोज्ड इज एन ओपन बाय टू, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्लोज पाइप इज हाफ ऑफ ओपन पाइप, तो जब आप इसको डिवाइड कर दोगे, जब आप इसको डिवाइड कर दोगे तो आपको मिल जाएगा पी प्लस वन एन ओपन अपॉन टू पी प्लस वन एन ओपन बाय टू, टू आ गया ऊपर, तो टू पी टू इंटू पी प्लस वन अपॉन टू पी प्लस वन, टू इंटू पी प्लस वन अपॉन टू पी प्लस वन, ऐसा आंसर था उस क्वेश्चन में था, यहाँ पे नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि वो पीथ ओवरटोन था, ये पीथ मोड है, मोड और ओवरटोन में डिफरेंस है, फर्स्ट मोड इज फर्स्ट मोड दैट इज फंडामेंटल, लेकिन फर्स्ट ओवरटोन इज नॉट फंडामेंटल, वो पीथ ओवरटोन बोला था वहां पे, यहाँ पे पीथ मोड बोला है, याद रखना, फर्स्ट ओवरटोन इज नॉट फर्स्ट मोड, फर्स्ट ओवरटोन ये फंडामेंटल नहीं होता है, लेकिन फर्स्ट मोड ये फंडामेंटल होता है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सिंपल करने के लिए लेट मी आस्क यू क्वेश्चन, अभी आप बताओगे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन पाइप वी अपॉन टू एल,
उसके बाद एक काम करता हूँ, टेबल ही बना के देता हूँ। ये फंडामेंटल है, बोले ये फंडामेंटल है। इसके बाद का मतलब पहला ओवर टोन, टू एन, टू एन होता है ना, टू एन, हाँ, तो टू बी बाय टू एन। इसके बाद का मतलब सेकेंड ओवर टोन, थ्री बी बाय टू एन। इसके बाद का मतलब फोर्थ ओवर टोन, है ना, फोर्थ ओवर टोन ना, थर्ड ओवर टोन, फोर इंटू वी बाय टू एन। ये था ओपन का। वैसे अगर आप देखोगे क्लोज्ड का वी बाय फोर एल, मैं इसको वी बाय फोर एल नहीं लिखूंगा, मैं इसको हाफ ऑफ ओपन लिखूंगा, ज्यादा इजी है ये। हाँ, ये ज्यादा इजी पड़ेगा आपको समझ लेना इस चीज को, क्योंकि आगे जाके दिक्कत होगी। यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ से लिखा। तो अगर ये ऐसा है, क्लोज्ड पाइप में अगला कौन था, हाँ, थ्री वी बाय फोर फोर एल मतलब थर्ड हार्मोनिक था, मतलब सेकेंड मोड है ये। कौन सा मोड है, सेकेंड मोड, थ्री वी बाय फोर एल मतलब थ्री बाय टू वी बाय टू एल। सही है यहाँ तक, करेक्ट है कि नहीं? तो थ्री बाय टू टाइम्स ऑफ एन ओपन, गुड। उसका अगला कौन था, फाइव वी बाय फोर एल, ओके, फाइव वी बाय फोर एल। थोड़ा सा मुझे इसको प्रॉपर कर लेने दो। इट इज इम्पॉर्टेंट दैट दे शुड कम वन बिलो द अदर, नहीं तो फिर इक्वेशन समझेगा नहीं कहाँ से आया। एनीवेज ठीक है, गुड। फाइव वी बाय फोर एल, कैन आई राइट डाउन दिस एज फाइव बाई टू वी बाय टू एल, लिख सकते हैं ना, मतलब ये क्या आ जाएगा, फाइव एन ओपन बाय। अब हमारा फोकस होना चाहिए इन वैल्यूज पे, और बेसिकली इसको भी आप बोल सकते हो, यू कैन से ऑल्सो ऑन दिस वैल्यूज। पीथ मोड ऑफ ओपन, पीथ मोड ऑफ ओपन, फर्स्ट मोड ऑफ ओपन इज एनओ, दिस इज एन ओ। उसके बाद का मोड है टू एन ओ, उसके बाद का मोड है थ्री एन ओ, उसके बाद का मोड है फोर एन ओ। कंपेयर कंपेयर, यहाँ पे जब एनओ था, यहाँ पे एनओ बाय टू था, यहाँ पे जब टू एन ओ है, यहाँ पे थ्री एन ओ बाय टू है, वहां पे जब थ्री एन ओ, यहाँ पे कितना है, फाइव एन ओ बाय टू है, उसके बाद क्या आएगा, सेवन एन ओ बाय टू आएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्लियर यहाँ तक? तो इधर का पीथ मोड, ओपन का पीथ मोड, ओपन का पीथ मोड पी एन ओ, है ना, पहला मोड एनओ, दूसरा मोड टू एनओ, तीसरा मोड थ्री एनओ, चौथा मोड फोर एनओ, तो पीथ मोड पी एन ओ। इसका सोच के बोलना, सोच के बताना। हाँ, तुम अगर टू पी प्लस वन बोलते हो, तुम ओवर टेन बता रहे हो मेरे को, इट्स नॉट ओवर टेन। पी माइनस, क्यू माइनस, एन क्लोज, लेकिन एन क्लोज कौन था, एन ओपन बाय टू था। अगर मैं पी की पहली वैल्यू डालता हूँ वन, ये क्या हो जाता है, एनओ, यहाँ पे क्या हो जाता है, एनओ बाय टू है क्या, पहला एनओ बाय टू, यस। इफ आई पुट पी इक्वल टू टू, टू एनओ, टू एनओ। If I put two, four, two into two, four minus one, three. Three n o by two है क्या? Yes. If I put n equal to three, three n o. If I put n, if I put p equal to three, तो three n o, और यहाँ पे p six minus one मतलब five है क्या? Yes. If I put four, four, और यहाँ पे seven n o by two. तो अगर तुम प्लस लिखते हो तो तुम ओवरटोन बता रहे हो, वो ओवरटोन नहीं है, इसलिए मैंने क्या बोला, वो क्या है, पीथ मोड है। तो मिल गया रिलेशन इन दोनों का। ये अगर पी एन ओ है तो ये कौन है, टू पी माइनस वन एन ओ बाय टू। अब याद रख लेना, अगली बार से याद इतना ही रखना है तुमको कि अगर ओवरटोन बोला हो
अगर ओवरटोन बोला हो तो ऐसा है, कैसा है? ऐसा है। अगर आपको पीठ मोड़ बोला हो तो ऐसा है। पीठ मोड़ बोला हो तो कैसा है? ये ऐसा है, इसको याद रखना पड़ेगा। तो ये मोड्स के लिए है और ये ओवरटोन्स के लिए है, तो बेटर आई कीप इट हियर। सिर्फ इसको डिवाइड कर दो तो एन पी ओपन अपॉन एन पी क्लोज्ड, पी एन ओ अपॉन 2p-1 एन ओ बाय 2 कैंसल कैंसल, 2 जाएगा ऊपर तो 2p अपॉन 2p-1, तो 2p अपॉन 2p-1 ऑप्शन नंबर बी है। सो इन अ वे ये होता है नंबर ऑफ लूप्स। ओपन पाइप में पहले मोड में दो हाफ लूप मतलब वन लूप बनता है, तो पी इक्वल टू वन मतलब वन लूप। ओपन पाइप में दूसरे मोड में एक फुल दो हाफ बनते हैं, दो हाफ मतलब एक और एक फुल मतलब दो, तो ये वाली कितनी आ जाएगी? टू। क्लोज पाइप में पहले मोड में हाफ लूप बनता है, तो जब आप पी इक्वल वन डालते हो तो 2-1 मतलब 1/2 मतलब हाफ। उसके अगले मोड में एक फुल एक हाफ मतलब 3/2, तो पुट पी इक्वल टू 2 × 2 4-1 3 3/2, राइट? तो इतना भी पता होता तो भी हो जाता। तो दिस इज व्हाट यू आर सपोज टू डू। अगला क्वेश्चन, एक जोक है, तो ये जोक मैं आपके लिए रख देता हूँ असाइनमेंट। और ये जोक समझने के लिए हमने स्टेशनरी वेव्स का एक लास्ट प्रॉपर्टी लिखा था, प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेशनरी वेव थ्योरी नोट्स में। किसको प्रेशर एंटी नोड और किसको प्रेशर नोड बोलते हो? प्रेशर नोड और प्रेशर एंटी नोड किसको बोलते हो? याद है? नहीं याद है तो फिर याद करो। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट नॉर्मली क्या होता है नोड के एंटी नोड? एंटी नोड, नोड मतलब नो डिस्प्लेसमेंट, उसका एंटी मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो एंटी नोड नॉर्मली क्या होता है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, लेकिन प्रेशर चेंज के मामले में उल्टा होता है। तो प्रेशर चेंज के मामले में क्या होता है? वो नोड होता है। अब पढ़ लो, ठीक है, कर ही देता हूँ क्वेश्चन, कोई असाइनमेंट नहीं है फिर ये। इफ वी स्टडी द वाइब्रेशन ऑफ अ पाइप ओपन एट बोथ द एंड्स, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? नॉट ट्रू मतलब फॉल्स। ओपन एंड विल बी एंटी नोड इज ट्रू है। ऑड हार्मोनिक्स ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी विल बी जनरेटेड। ओपन पाइप में कौन से हार्मोनिक्स होते हैं? ऑल मतलब N2N3N4N5N, तो ऑड होते हैं क्या? नहीं। अगर बोला होता ओनली ऑड हार्मोनिक्स तो ये स्टेटमेंट फॉल्स होता। इन्होंने बोला है ऑड हार्मोनिक्स विल बी जनरेटेड, और तो होने वाला है, इवन भी होने वाला है। ऑल हार्मोनिक्स में ऑड नहीं आता क्या? आता है ना, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। सिर्फ इधर मैं लिख देता ओनली तो फिर ये फॉल्स हो जाता। तो ये भी समझ के, ऑल हार्मोनिक्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी विल बी जनरेटेड, यस ये भी ट्रू है। प्रेशर चेंज विल बी मैक्सिमम एट बोथ द एंड्स, यस, क्योंकि वहां पे एंटी नोड है तो प्रेशर चेंज क्या है? मैक्सिमम है। इसलिए मैंने बोला कि पहले थ्योरी नोट्स पढ़ो तब समझेगा कि क्या बोलना चाहते हैं। तो पढ़ो, अभी थ्योरी है, इसमें और कुछ थ्योरी तो बता नहीं सकता। तो प्रेशर चेंज विल बी मैक्सिमम एट बोथ द एंड्स, क्योंकि बोथ एंड्स पे क्या है? एंटी नोड्स। मैंने इसलिए बोला, इसके लिए मैंने बोला था प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है। प्रेशर एंटी नोड और प्रेशर नोड का मतलब समझ में आना चाहिए। वो हमने प्रॉपर्टी एक टाइप के वेव के लिए लिखा था, शायद ट्रांसवर्स के लिए लिखा था। ये कौन सा है? ये कौन सा है? लॉन्गिट्यूडनल है, तो मीनिंग उसका उल्टा होता है। तो ठीक है, फाइनली आंसर तो बता दिया, लेकिन रीड तुमने करना है। अब ये जो क्वेश्चन है ये कंप्लीटली असाइनमेंट जाएगा, क्योंकि हमने बहुत बार ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब समवेयर वी हैव टू स्टॉप डूइंग द सेम क्वेश्चन अगेन एंड अगेन। हमने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए, आपको भी पता है अच्छे से इक्वेशन ऑफ वेव क्या होता है।
वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स या फिर प्लस के एक्स डिपेंडिंग ऑन डायरेक्शन, पॉजिटिव बोला है तो बीच में माइनस आएगा, फिर आप सॉल्व करते बैठोगे। ये क्वेश्चन मुझे करवाना पड़ेगा क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, विदाउट फॉर्मूला हम सॉल्व करेंगे लेकिन इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन बहुत होता है तो पहले समझ लो। और ऐसे क्वेश्चन आते हैं, अ सोर्स ऑफ अननोन फ्रिक्वेंसी गिव्स 4 बीट्स पर सेकेंड व्हेन साउंडेड विद अ सोर्स ऑफ नोन फ्रिक्वेंसी ऑफ 250 हर्ट्ज। एक अननोन फ्रिक्वेंसी का सोर्स है, एक नोन फ्रिक्वेंसी है 250 हर्ट्ज, दोनों को साथ में साउंड किया तो 4 बीट्स मिल गए। द सेकेंड हार्मोनिक ऑफ द सोर्स ऑफ अननोन फ्रिक्वेंसी, सेकेंड हार्मोनिक ऑफ अननोन फ्रिक्वेंसी गिव्स 5 बीट्स पर सेकेंड विद व्हेन साउंडेड विद अ सोर्स ऑफ 513 हर्ट्ज। द अननोन फ्रिक्वेंसी इज, तो पहले क्वेश्चन समझ लो। एक काम करो, जो अननोन फ्रिक्वेंसी था उसको बोल दो एक्स, और इसका सेकेंड हार्मोनिक कौन होगा फिर 2x। आपने अननोन फ्रिक्वेंसी को, आपने अननोन फ्रिक्वेंसी को किसके साथ साउंड किया था, किसके साथ साउंड किया था, 250 हर्ट्ज की नोन फ्रिक्वेंसी के साथ, बराबर। तो कितने बीट्स मिले थे, 4 बीट्स मिले थे। फिर आपने उसी अननोन को, उसके सेकेंड हार्मोनिक को किसके साथ साउंड किया, 513 के साथ, किसके साथ साउंड किया, 513 के साथ। फिर कितने बीट मिल गए, 5। ये क्वेश्चन मैं फॉर्मूला से भी सॉल्व कर सकता हूँ लेकिन नहीं करना है, क्योंकि दो साइमल्टेनियस इक्वेशन बनाओगे फिर सॉल्व करोगे 10 स्टेप लग जाएंगे। लॉजिक अप्लाई करो, लॉजिक। पहला अननोन फ्रिक्वेंसी कितना था, एक्स, उसके साथ कौन था, नोन, 250, बीट्स कितने हैं, तो पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स क्या है, बीट्स का मतलब क्या होता है, दो सोर्सेस के फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस, दो सोर्सेस के फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस को क्या बोलते हो, बीट्स। यहाँ पे 250 एक नोन है एक अननोन है, बीट्स कितने हैं, 4। तो जो अननोन है उसके पॉसिबल वैल्यूज बताओ, 254 एंड 246, या तो +4 होगा या तो -4 होगा, दैट इज व्हाट आई एम आस्किंग यू। ये मैं इसको ऐसा लिखता हूँ, मेरी आदत है ये, मैं सॉल्व नहीं करने वाला हूँ। तो अगर मैं -4 करता हूँ तो कितना, 246, प्लस करता हूँ तो 250, मतलब अब x की वैल्यू, अननोन की वैल्यू या 246 होगी या 254 होगा, चेक कर लो ऑप्शन में, 246 भी दिखता है और 254 भी दिखता है। अब फिर दोनों में से कौन सा, दोनों में से कौन सा, ये चेक करने के लिए एक काम करेंगे, ये चेक करने के लिए एक सिंपल सा काम करेंगे, जो सेकेंड हार्मोनिक है उसको चेक करेंगे। सेकेंड हार्मोनिक किसके साथ साउंड किया था, कितने बीट्स दिए थे, 5 बीट्स। तो पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकती है, एक तो 508 होगी या तो 518 होगी, है ना, या तो 508 होगी या तो 518 होगी ना, अरे बराबर है ना, 2x। बीट का मतलब क्या है, डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी। नोन कितना है, 513। अननोन जो भी हो उसको तुम 2x बोलो, उसको तुम y बोलो, तुम z बोलो, जो बोलना है वो बोलो, वो छोड़ दो फिलहाल, 2x को छोड़ दो। बीट्स मतलब ये 513 है नोन, तो जो अननोन है या तो वो 508 होगा या तो वो 518 होगा। अरे ये बात समझ में, पहले केस में अननोन फ्रिक्वेंसी कितने बीट्स प्रोड्यूस कर रहा था, 4, किसके साथ कर रहा था, 250 के साथ। तो अननोन फ्रिक्वेंसी के दो पॉसिबल वैल्यूज थे, 246 या फिर 254। इसके सेकेंड हार्मोनिक में, लेट द सेकेंड हार्मोनिक बी एनीथिंग, तुम एक्स डैश बोलो, तुम वाई बोलो, तुम 2x बोलो, डजंट मैटर, फिलहाल नहीं। नॉन फ्रिक्वेंसी कितना था, 513, बिट्स कितने हैं, 5, तो पॉसिबल क्या है, 508 और 518, यहाँ तक क्लियर। अब सोचो तुम अगर 246 लेते तो 250 के साथ 4 बिट्स, कंडीशन सेटिस्फाई, ओके। इसका सेकेंड हार्मोनिक कितना आएगा, 2x, मतलब कितना आएगा, कितना आएगा, तुम डबल नहीं कर पा रहे हो। मैंने पूछा 2x मतलब कितना आएगा, तो तुम 246 डबल नहीं बता रहे हो मेरे को, 492, लेकिन अगला नोन कौन था, 513 और 492 में डिफरेंस 5 का आता है क्या,
नहीं आता है तो ये नहीं हो सकता। 254 और 250 डिफरेंस चार है, यस। तो पहले केस में चार बिट्स है, यस क्लियर। इसका डबल 2x, 508, 513 और 508 में डिफरेंस पांच का आता है क्या? यस। तो कंडीशन सेटिस्फाई, मतलब अननोन फ्रीक्वेंसी ने पहले 250 के साथ चार बिट बना लिए, इसके सेकंड हार्मोनिक ने मतलब 508 ने 513 के साथ पांच बिट बना लिए, कंडीशन हो गई सेटिस्फाई। तो आंसर आपका आ गया 254। कोई इक्वेशन नहीं, कोई मैथ्स नहीं, कुछ नहीं, ऐसा ही सॉल्व हो गया वो। गुड। तो ऐसा उसको करना है। तो लेट अस मूव अहेड टू द नेक्स्ट सेट। अभी ये हो गया सीईटी के बहुत सारे पीवाईक्यू। अब जो सीईटी में नहीं आए लेकिन सीईटी में आ सकते हैं, थोड़ा सा लेवल ज्यादा होगा इसका, थोड़ा सा, और लेवल के साथ साथ दो तीन चैप्टर का कॉन्सेप्ट एक साथ लगेगा। अब यहाँ पे द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन नाइट्रोजन गैस टू दैट इन हीलियम गैस एट 300 केल्विन इज। तो सबसे पहले पता होना चाहिए व्हाट इज स्पीड ऑफ साउंड इन एनी गैस, अंडर रूट ऑफ गामा आर टी बाय एम, वेयर एम इज मॉलिक्यूलर वेट। 11th स्टैंडर्ड साउंड चैप्टर लैपलास करेक्शन टू न्यूटन्स फॉर्मूला। आर कांस्टेंट है, टेम्परेचर सेम ही बोला है दोनों गैस का, तो टी भी कांस्टेंट है, तो वी इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ गामा बाय एम। गामा होता है रेशियो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, है ना, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर सीपी टू दैट ऑफ सीवी। आपको रेशियो पूछा है किसका, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन होता है मॉलिक्यूलर गैस N2, और हीलियम होता है इनर्ट गैस, मतलब एटॉमिक गैस, मोनोटॉमिक गैस, तो ये भी पता होना चाहिए। देन अंडर रूट ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गामा, तो गामा N2 अपॉन गामा HE, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हीलियम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन होता है रिजिड डायटोमिक गैस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस चैप्टर नंबर 3, रिजिड डायटोमिक गैस का गामा वैल्यू होता है 7/5 और मोनोटॉमिक होता है 5/3। हीलियम होता है इनर्ट, मतलब हीलियम का मॉलिक्यूलर वेट, मतलब हीलियम का एटॉमिक वेट, एटम का वेट न्यूक्लियस से आता है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं। हीलियम के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होते हैं, मतलब ये है 4। नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन का 14 होता है क्योंकि 7 प्रोटॉन 7 न्यूट्रॉन, तो एक नाइट्रोजन का 14, तो 2 का 28। 1 जा 7 जा 7 और 7 कैंसल, ये 3 जाएगा ऊपर, 5 आएगा नीचे, रूट ऑफ 3/25, मतलब रूट ऑफ 3/5। तो स्पीड ऑफ साउंड इन नाइट्रोजन टू दैट ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन हीलियम, ये रेशियो आ गया रूट ऑफ 3/5। है क्या ऐसा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी। सो दैट्स इट फॉर टुडे।